दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहां से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहां से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 21 फरवरी 2019 गुरुवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भर्तियों के लिए आपको एग्जाम भी नहीं देना होगा, ना ही इंटरव्यू और ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इन भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पोस्ट निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन में भर्तियां निकली है। पूरी डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं कि क्या इनकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी मिलने वाली है, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है नेहरू युवा केंद्र संस्थान में, पोस्ट है वॉलंटियर्स की। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 12,000 खाली पद है। सैलरी की बात की जाए तो 5,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। वहीं बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो कम से कम 10वीं क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आयु सीमा 18 से 29 वर्ष है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2018 से की जाएगी। ऑल इंडिया की भर्ती है, कहीं से भी आवेदन कर सकते हो, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो, ऑफलाइन भी। साथ साथ आपको इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन में आपका बिना एग्जाम के इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। सीधी भर्ती है, इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में भी दिया गया है और इसके ऑफिशियल पोर्टल से भी आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो, अपने स्टेट के हिसाब से आप वहीं से सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है nyks.nic.in, इसी पोर्टल से आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 16 फरवरी 2019 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 3 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। जी हाँ दोस्तों, खुफिया विभाग की ये भर्ती है। पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, अकाउंटेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, क्रिटेकर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, हलवाई कम कुक, नर्सिंग ऑर्डरली, प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए 318 पद खाली है। पोस्ट वाइज वैकेंसी की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। वहीं बात सैलरी की जाए तो 5200 से 20200, 9300 से 34800, 15600 से 39100, 21700 से 69100, 29200 से 92300, 47600 से 151100 अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 56 वर्ष है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के बेस में इसमें आपका सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है maha.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टल से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। डेट की बात की जाए तो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है 23 फरवरी से 1 मार्च 2019 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर और लास्ट डेट अप्लाई करने की विदिन 60 डेज है। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़पेपर में पब्लिश होने से, इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है उससे 60 दिन बाद इसकी यहाँ पर लास्ट डेट होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पंजाब में, NHM पंजाब की भर्ती है। पोस्ट है असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। वहीं बात सैलरी की जाए तो 30,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। जॉब लोकेशन पंजाब है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती भी इंटरव्यू के बेस पर डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें आपका किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है pbnrhm.org।
इसी पोर्टल से आप इसकी बाकी जानकारी रीड कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 13 मार्च 2019 सुबह 10 बजे आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। ECIL की भर्ती है पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 115 है। 10,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BTech अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 28 वर्ष है। आयु की गणना 10 फरवरी 2019 से की जाएगी। ऑल इंडिया बेस की ये भर्ती है। किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए भी जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा, ना ही कोई इंटरव्यू। मेरिट के आधार पर सीधा चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है ecil.co.in। यहाँ दोस्तों इसमें भी आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। 1 और 2 मार्च 2019 को आपको इंटरव्यू अटेंड करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है तमिलनाडु मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड में। TNMRB की भर्ती है पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। सैलरी की बात कीजिए तो 35,400 से 112,400 लेवल 11 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। वहीं बात क्वालिफिकेशन की जाए तो डिप्लोमा होना अनिवार्य है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 57 वर्ष है। आयु की गणना 1/7/2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन तमिलनाडु है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो SC ST SCA या DAP PH के लिए 300 रुपये है। फीस आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट पेमेंट और चालान से भी जमा करा सकते हो इंडियन बैंक की किसी भी ब्रांच से। जहाँ दोस्तों रिटर्न एग्जाम के माध्यम से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है mrb.tn.gov.in। इसी पोर्टल से 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 7 मार्च 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फी जमा करने की लास्ट डेट चालान के माध्यम से 11 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। SCL की भर्ती है। पोस्ट है सीनियर मेडिकल ऑफिसर और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है। वहीं बात सैलरी की जाए तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 30,000 से 1,20,000 है। और जहां जो दूसरी पोस्ट है डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की उसके लिए 50,000 से 1,60,000 रुपये है। MBBS डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 32 वर्ष है और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए मैक्सिमम आयु सीमा 44 वर्ष है। आयु की गणना 11 मार्च 2019 से की जाएगी। ऑल इंडिया बेस की भर्ती है। कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए भी जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के बेस में सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है hindustancopper.com। जी हाँ दोस्तों, वॉक इन इंटरव्यू की डेट 11, 18 और 25 मार्च 2019 है। आपको इसी डेट में वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। वॉक इन वेन्यू आप नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन में आपको इसका वेन्यू दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। IOCL की भर्ती है। पोस्ट है अकाउंटेंट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस की। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 391 टोटल खाली पद है। सैलरी 10,453 प्लस 2,500 रुपये इसमें दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन 10वीं डिप्लोमा ITI और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष है। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र गुजरात गोवा दादरा एंड नगर हवेली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए भी जमा नहीं करना होगा। रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है iocl.com। इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जहाँ दोस्तों आप इस भर्ती के लिए 23 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में। पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। सैलरी की बात की जाए तो 60,155 से 92,965 है। वहीं बात क्वालिफिकेशन की जाए तो BTech यानी कि डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम आयु 42 वर्ष है। जॉब लोकेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 700 रुपये है। SC ST BC कम्युनिटीज और PH जो आंध्र प्रदेश के हैं उनके लिए 200 रुपये है। फीस आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
ऑफिशियल वेबसाइट है apeasternpower.com। यहाँ दोस्तों ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, आप 5 मार्च 2019 तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है तमिलनाडु मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड में, ये भर्ती भी TNMRB में है, फार्मेसिस्ट की ये भर्ती है, 28 पद खाली है, सैलरी 35,400 से 112,400, लेवल 11 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 57 वर्ष है, आयु की गणना 1/7/2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन तमिलनाडु है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वही बात आवेदन शुल्क की जाए तो SC ST SCR DAP PH के लिए ₹300 है, फीस आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मोबाइल वॉलेट पेमेंट और चालान से भी इंडियन बैंक की किसी ब्रांच से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है mrb.tn.gov.in। ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट 15 फरवरी थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 मार्च 2019 है। फीस जमा करने की लास्ट डेट चालान के माध्यम से ऑफलाइन 11 मार्च 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस में। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती पहले से ही आ चुकी है, इसकी डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे कि क्या इसकी डेट हो गई है। जेल वार्डर फायरमैन और हॉर्स राइडर की ये भर्ती है, नंबर ऑफ वैकेंसी 5,805 है। वहीं बात सैलरी की जाए तो लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 22 वर्ष है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स के लिए फीस यहाँ पर ₹400 रखी गई है, फीस आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से या फिर बैंक चालान से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और फिजिकल के माध्यम से, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in और prpb.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की पहले 16 फरवरी थी, जो कि पहले भी एक्सटेंडेड कर दी गई थी, उससे पहले 9 फरवरी थी, उसके बाद 16 फरवरी और अब इसको बढ़ाकर 24 फरवरी 2019 कर दिया गया है। लास्ट डेट फी जमा करने की 27 फरवरी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचकर आप यहीं से इन भर्तियों के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली यहीं से इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।